और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ जो कुछ हुआ उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, जानने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से बात की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। हम है महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां कांग्रेस ने गांधी सेवाश्रम में यहां पर अपना मोर्चा खोला है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, दो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें एक किसानों को लेकर भी है जो कि दिल्ली में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर आक्रोश जताया गया है। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा और चर्चा हुई है, रिजोल्यूशन भी आपने पारित किया है। हजारों किसान सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपनी व्यथा अपनी पीड़ा की हुंकार ले मोदी सरकार के द्वार दिल्ली आए थे। किसान ये कह रहा है, आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जिन्होंने किसान के लिए लंबा संघर्ष किया, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा नहीं जीवन रास्ता दिया कि उनकी व्यथा की पुकार और पीड़ा सुनी जाए। मोदी सरकार ने क्या किया, नशे में चूर, सत्ता के अहंकार में चूर मोदी सरकार ने बर्बरता पूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई, अश्रु गैस छोड़ी, वाटर कैनन चलाई, किसानों की पगड़ी को पुलिस की लाठियों और घोड़े की टापों के नीचे रौंद दिया, किसानों के सम्मान पर आघात पहुंचाया। हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी, क्या देश का किसान दिल्ली आकर अपनी पीड़ा नहीं बता सकता? क्या वो अपराधी या उग्रवादी है जिसको आप लाठियों से पीटते हैं? क्या देश का किसान आपको अपने लागत पर 50% मुनाफा के जुमले भरे वादे की याद नहीं दिला सकता? क्या देश का किसान कर्ज मुक्ति के लिए पुकार नहीं कर सकता? क्या देश का किसान ये नहीं कह सकता कि वो उत्पीड़ित है, आंदोलित है, वो दुखी है? और अगर उस अंदेश के अन्नदाता पर आप लाठियां चलाएंगे, बर्बरता पूर्ण उसे पीटेंगे, तो फिर याद रखिए, जो अन्नदाता का अपमान करता है वो कभी सत्ता की गद्दी पर बने नहीं रह सकता। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे अब पूरे देश में गूंजेंगे जब तक मोदी सरकार को चलता नहीं कर देंगे। सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया है और कई मांगे मान ली है किसानों की जो आंदोलन कर रहे हैं। लागत पर 50% मुनाफा कब देंगे? खेतों में आज बाजरा, खेतों में आज कपास, खेतों में आज धान, खेतों में उड़द, उनकी कीमतें मिलती नहीं। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान को मिलता नहीं, उसको दुत्कारा जा रहा है। मोदी सरकार बातें करती है, फसल की खरीद नहीं करती। देश का किसान आज कर्ज के बोझ तले दबा है, आत्महत्या की डोरी पर पहुंचा है। मोदी जी चुनिंदा उद्योगपतियों का 3,16,000 करोड़ माफ कर सकते हैं, पर 62 करोड़ किसान का 2,00,000 करोड़ माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि ये सरकार किसानों और मजदूरों की नहीं, ये मुट्ठी भर उद्योगपति मित्रों की है। और ऐसी सरकार को रवाना करने तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। धन्यवाद बात करने के लिए रणदीप सुरजेवाला। जिस तरीके से कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई वर्धा, गांधी सेवाश्रम, महादेव सदन जो है वहां पर बैठक में रिजोल्यूशन पारित किया गया किसानों को लेकर, जो दिल्ली में उग्र आंदोलन दिखाई दिया उस पर सियासी वार कर रहे थे, बीजेपी सरकार से जवाब मांग रहे थे रणदीप सुरजेवाला। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, वर्धा, महाराष्ट्र।